हे टू एवरी वन, वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल HOT। तमिलनाडु के पांडुचेरी का एक शहर जिसका नाम है ओरोविल। ये शहर हमारी कल्पना यानी कि हमारी इमेजिनेशन से भी परे है। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ किसी तरह का रेस, रिलीजन, पॉलिटिक्स और पावर ना हो और आप वहाँ पर पीसफुली रह सके। सो ओरोविल दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसा ही होता है। यहाँ किसी तरह का कास्ट, क्रीड, रिलीजन नहीं चलता। सो आज इस वीडियो में हम इसी ओरोविल सिटी, जो कि एक्सपेरिमेंटल सिटी के नाम से भी जानी जाती है, उसके बारे में हम डीपली जानने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका टाइटल है ओरोविल अ ग्रेट सिटी इन इंडिया। रोजर एंगर के द्वारा डिजाइन की गई ये सिटी ऑफ डाउन के नाम से भी जानी जाती है। ये एक्सपेरिमेंटल सिटी तमिलनाडु के बिल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में है और ओरोविल को 1968 में मिराय अल्फासा ने, जो कि द मदर के नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने फाउंड किया था। ओरोविल का जो मीनिंग होता है वहाँ पर ओरो यानी कि डाउन एंड बिले यानी सिटी या प्लेस होता है और इसका जो नाम है वो श्री ओरोविंदो के नाम पर रखा गया है। ओरोविल जैसा शहर श्री ओरोविंदो का एक विजन था जिसे की 1964 में मीरा अल्फासा ने पूरा किया। मीरा अल्फासा जो थी वो श्री ओरोविंदो के स्पिरिचुअल कोलोबेटर थे। ओरोविल के बनने के पीछे अल्फासा का एक ही मोटो, एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जहां लोग पीसफुली रह सके। अल्फासा का पहला मैसेज जो कि 1965 में रिलीज हुआ था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ओरोविल के बारे में कहा था कि ओरोविल वांट्स टू बी अ यूनिवर्सल टाउन वेयर मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल कंट्रीज आर एबल टू लिव इन पीस एंड प्रोग्रेसिव हार्मनी अबव ऑल क्रीड, ऑल पॉलिटिक्स एंड ऑल नेशनलिज्म। द पर्पस ऑफ ओरोविल इज टू रियलाइज ह्यूमन यूनिटी। ओरोविल का जो इनॉग्रेशन है वो 28 फरवरी 1968 को हुआ था, जिसमें कि 124 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। इसके साथ मीरा अल्फासा ने ओरोविल के लिए 4 पॉइंट्स का चार्टर तैयार किया था, जो कि ओरोविल में रहने वाले हर पर्सन को फॉलो करना जरूरी है। ओरोविल जो है वो बेसिकली एक स्पिरिचुअल और कॉन्शियसनेस का सेंटर है। ओरोविल सिटी के बीचों बीच एक माता मंदिर है जो कि उनके लिए एक बहुत ही डिवाइन प्लेस है। माता मंदिर को अल्फासा ने ही डिजाइन किया था एज अ सिंबल ऑफ द डिवाइन आंसर टू मेंस एस्पिरेशन फॉर परफेक्शन। माता मंदिर के अंदर पूर्णता, पीस और साइलेंस को मेंटेन किया जाता है और माता मंदिर का जो सराउंडिंग एरिया है वो पीस एरिया के नाम से जाना जाता है। पूरा माता मंदिर सोलर पावर प्लांट से घिरा हुआ है, जहाँ पर की जब धूप नहीं होती तब इन्हीं सोलर एनर्जीज का यूज किया जाता है। ओरोविल जो सिटी है वो सेंटर से 4 जोन में डिवाइडेड है, जहाँ पर की रेसिडेंशियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन, कल्चरल जोन और इंटरनेशनल जोन है। ये 4 जोन हैं जिनमें कि ये सिटी डिवाइडेड है। सो ओरोविल की जो पॉपुलेशन है वो इनिशियल 20 इयर्स तक 50K रेसिडेंट ही थी, लेकिन अगले 20 सालों के अंदर में ओरोविल में 2000 इंडिविजुअल्स ऐड हो गए, जो कि 40 अलग अलग कंट्रीज से थे। और ये जो डाटा है वो जनवरी 2018 तक का है। ओरोविल में 2814 रेसिडेंट हैं टोटल, जो कि 54 कंट्रीज से आते हैं, जिनमें कि 2127 एडल्ट्स हैं और 687 चिल्ड्रन हैं। ओरोविल के अंदर की जो इकोनॉमी है वो कैसे वर्क करती है? ओरोविल में किसी तरह का पेपर या कॉइन करेंसी यूज नहीं होती, यानी कि यहाँ किसी तरह कॉइन करेंसी या पेपर करेंसी नहीं चलती। यहाँ के रेसिडेंट्स को एक स्पेशल अकाउंट नंबर दिया जाता है अपने सेंट्रल अकाउंट से कनेक्ट होने के लिए, और जो विजिटर्स यहाँ घूमने के लिए आते हैं उन्हें एक ओरो कार्ड दिया जाता है यूज करने के लिए, जो कि एक स्पेशल डेबिट कार्ड होता है ओरोविल सिटीजंस के लिए। यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा ओरोविल कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ आने वाले गेस्ट के लिए द गेस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि डेली फी पेड होती है गेस्ट के द्वारा। और इसी तरह ओरोविल की जो इकोनॉमी है वो चलती है। इंडियन गवर्नमेंट केवल थोड़ा सा अमाउंट ही देती है ओरोविल के बजट का। ओरोविल की कम्युनिटी के ऐसे होने की वजह से यहाँ जो क्राइम रेट है वो लगभग 0 है। सो ओरोविल इस तरह से एक ग्रेट सिटी बन जाती है। अभी अभी 28 फरवरी 2018 को ओरोविल सिटी को 50 साल पूरे हो गए हैं, जिस पर कि इंडिया फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने ओरोविल कम्युनिटी के लिए एक लेटर भेजा था, और जिसमें कहा गया था कि ओरोविल रिप्रेजेंट करता है ह्यूमैनिटी एस्पिरेशन फॉर पीस एंड गुडविल एंड इट इज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। इसके बाद हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी श्री ओरोविंदो आश्रम और ओरोविल में विजिट किया था 25 फरवरी 2018 को। सो ओरोविल को एक्सपेरिमेंटल सिटी कहा जाता है, बट ऐसा कहा क्यों जाता है? ओरोविल को एक्सपेरिमेंटल सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों को लगता है जिस तरह से लोग ओरोविल में रहते हैं वैसे रहना और अदर लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। हम ऐसे रह ही नहीं सकते बिना किसी प्रॉब्लम के, पॉलिटिक्स, कास्ट, क्रीड,
इन सब के बिना हम नहीं रह सकते। लेकिन ऑरोविल कम्युनिटी ने यह साबित कर दिया है कि क्यों ऑरोविल को द सिटी ऑफ टाउन कहा जाता है। ऑरोविल इज अ ग्रेट सिटी एंड इज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने अब तक ऑरोविल जाने का प्लान बना लिया होगा। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे क्यूरियस।